और जब चले जाए तो भूल जाने का। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एलविस यादव के बारे में। तो जैसा कि गाइस हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि मल्होत्रा साहब ने अपने नए घर में दिवाली की पार्टी रखे थे, जैसा कि गाइस वो पिछले साल भी रखे थे और इस बार भी गाइस यहां पर मल्होत्रा साहब ने एलविस यादव की पूरी टीम को ही बुलाए थे, एलविस यादव को भी बुलाए थे और साथ में गाइस कीर्ति मेहरा को भी बुलाए थे। और अभी गाइस एलविस यादव का एक फोटो भी सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर गाइस एलविस यादव और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा एक साथ में दिखाई दी है। और ये फोटो गाइस पूरी तरीके से फेक है, ये तो आप लोगों को अभी तक पता चली गया होगा। लेकिन अभी गाइस कीर्ति मेहरा को यहाँ पर दिवाली पार्टी में जाने से काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर गाइस किसी ट्विटर यानी कि एक्स यूजर ने लिखे कि कीर्ति मेहरा को वहाँ पर दिवाली पार्टी में जाने से काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, जिसमें कि एलविस यादव गए थे। लेकिन उन लोगों को शायद ये चीज पता नहीं होगा कि यहाँ पर कीर्ति मेहरा को मल्होत्रा साहब ने इन्वाइट किए थे, इसलिए कीर्ति मेहरा दिवाली पार्टी में गई थी। तो क्या दिवाली पार्टी में कीर्ति मेहरा का जाना पूरी तरीके से गलत था? तो उनका जाना तो गाइस पूरी तरीके से सही था, इसीलिए अब किसी भी लड़की को बेवजह ऐसे हेट ना दे। और जब चले जाए तो भूल जाने का, समझ रहे हो? ऐसा है, नहीं तो जिंदगी में तुम वहीं अटके रहते हो, आगे ही नहीं बढ़ पाते लाइफ में। आगे बढ़ो भाई, जिंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना, समझ रहे हो? ऐसी जिंदगी जियो, काटो मत, जियो। ये सोच के जियो कि एक ही जिंदगी है, नो कॉम्प्रोमाइज ओनली बटावट। अपनी जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना इफ यू गॉट एवरीथिंग। वैसे सबके पास सब चीज होती नहीं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बट ट्राई करना कम ही करो क्योंकि यार जिंदगी एक है। तो फिलहाल गाइस आप लोग यहाँ पर एलविस यादव को लेकर, कीर्ति मेहरा को लेकर और भी क्या कुछ कहना चाहोगे आप लोग हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए गाइस, अब एलविस यादव की बात हो ही गई तो बात कर लेते हैं एलविस यादव के ही बारे में। एलविस यादव ने गाइस अपने आज वाले ब्लॉग वीडियो में एक और बहुत ही बड़ी चीज को अनाउंसमेंट करके बताया कि 5 लोगों को हमारी तरफ से काफी बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। इन्होंने गाइस यहाँ पर एक काफी बड़ा गिव अवे का अनाउंसमेंट करते हुए बोले कि इस गिव अवे में 5 विनर डिसाइड होंगे, जिसमें कि 5 विनर को एलविस यादव की पूरी टीम के साथ में पूरा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। और भी गाइस यहां पर गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या क्वेरीज रहनी चाहिए, इसके बारे में गाइस यहां पर एलविस यादव ने क्या बोले आप लोग इस वीडियो क्लिप में सबसे पहले देखिए। और भाई एक ऑफर है सभी लोगों के लिए जो इस ब्लॉग को देख रहा है। देखो, कॉमेंट करना है कि भाई तुम मेरे चैनल को क्यों देखते हो, ये कॉमेंट करना, चाहे कितना भी बड़ा हो सकता है मैसेज। और जिसके जिसके कमेंट भाई हमें पसंद आए, 3 जनों के, उन 3 जनों से हम लोग पर्सनली मिलेंगे। चलो 5 कर लेते हैं, पीछे से आवाज आई कहीं से कि 5 जने कर लो, तो भाई 5 जने बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दो, 5 जने उसमें सेलेक्ट होंगे, भाई बैठेंगे साथ में विनय भाई के घर पे, ठीक है ना? विनय भाई लंच डिनर जो तुम बोलो, लंच डिनर ब्रंच ड्रंच एनीथिंग यू वांट गाइस, और मजा आ जाएगा। और कहां पार्टी, कौन सी पार्टी? 1000 ब्लॉक की। हां, ये तो पार्टी का पैसा तो गाड़ी में लग गया। अरे ये तो हमने लगाया ना। अच्छा अच्छा, वैसा भाई कहाँ पार्टी चाहिए बताओ, बताओ भाई कहाँ चाहिए, बताओ भाई भाई कहाँ पार्टी चाहिए, भाई आज मूवी देख लेते। तो फिलहाल गाइस आप लोग यहाँ पर एलविस यादव को लेकर और भी क्या कुछ कहना चाहोगे, और आप लोग गाइस इनके गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर नहीं, आप लोग हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो अभी के लिए गाइस सिर्फ इतना ही अपडेट था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। देख सकते हो गाइस हम लोग 30,000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना।